हम लोग देखने वाले हैं क्लास एट का जो हमारा साइंस है बिहार बोर्ड का, उसका चैप्टर नंबर 12 का पौधे और जंतुओं का संरक्षण जैव विविधता, इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब व्यास देखिए, हमारा एक है धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियाँ, उनमें आपसी संबंध को कहा जाता है, उनमें जो आपसी संबंध को कहा जाता है जैव विविधता, एक नंबर राइट हो जाएगा। दो में है अभ्यारण एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है, अभ्यारण और राष्ट्रीय उद्यान में क्या मना है, कृषि करना, चारागाह, शिकार, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए तीन नंबर हमारा यहाँ पर है, निम्न में कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जंतु सभी जा रहे हैं, मतलब बाघ जा भी विलुप्त हो रहा है, गैंडा भी विलुप्त हो रहा है और ब्लू व्हेल भी, यानी कि उपरोक्त सभी मार लेना है। तीन चार नंबर चार में है राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वह है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके जो आपको आ रहा होगा कमेंट कर दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, गांगे डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है। पांचवें है कांवड़ झील बिहार स्थित है, कांवड़ झील जो है बिहार में स्थित है, तो वो है बेगूसराय जिला में, तो बेगूसराय मार लेना है यहाँ पर। अब देखिए बी में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, देश को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को, ठीक है। देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। संकटापन प्रजातियों की सूची अभिलेख, रेड डाटा पुस्तक, देखिए रेड डाटा पुस्तक, रेड डाटा बुक लिख लीजिएगा या पुस्तक। देखिए चार में क्या है यहाँ पर, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से देश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, तो जलवायु परिवर्तन, क्या परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ठीक है जलवायु परिवर्तन। फर्न सेवाल जिनको साइकेंड आदि देश पौधे हैं, तो आदि जो पौधे हैं विदेश विदेश विशेष क्षेत्रीय के, ठीक है प्रजाति पौधे विशेष क्षेत्रीय प्रजाति के, ठीक है जो ये सभी पौधे हैं ये विशेष क्षेत्रीय प्रजाति के। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है हमारा यहाँ पर मिलान करने वाला, ठीक है सी नंबर में कॉलम को कॉलम ख से मिलान करना है, डोडो, तो डोडो जो है वह हो जाएगा आपका मॉरिशस का विलुप्त जंतु, ठीक है। गांगे डॉल्फिन जो है वह हो जाएगा आपका पाँच नंबर, गंगा की विलुप्त हो रही स्तनधारी, यह एक स्तनधारी जीव है। वाल्मीकि अभ्यारण दो मारा थ्री है, ये हो जाएगा बाघ, ये बाघ वाल्मीकि अभ्यारण बाघ, ठीक है मिला लेना है। काजीरंगा अभ्यारण जो है वह हो जाएगा एक सींग वाला गैंडा। फर्न जिनको साइकेट विलुप्त हो रहे ये पौधे, ठीक है। अब देखिए डी नंबर में है निम्न प्रश्नों के उत्तर दें, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं इसका उत्तर आप लोग को लिखना है। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता यानी कि जीवों में भिन्नता, तो आप लोग जो है उत्तर में यहाँ पर लिखेंगे किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले जीव जातियों की समृद्धता को उस स्थान की जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। दो में है हमारा हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, तो जैव विविधता हमारे महत्वपूर्ण संसाधन है, इसके समाप्त हो जाने पर पर्यावरण अव्यवस्थित हो जाएगा तथा पदार्थों का चक्रण रुक पाएगा, इसलिए हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थ्री है यहाँ पर आपका विनाश के मुख्य कारण एवं उसके प्रभाव को बताए, तो हम लोग उत्तर देखते हैं, आप लोग आंसर में लिखेंगे विनाश के मुख्य कारणों को इस प्रकार लिखा जा सकता है, विनाश के कारण में बहुत ही विनाश जो हो रहा है इसमें मानव का भी दोष है, वनों को कृषि भूमि में परिवर्तन, स्थानांतरी
को झूमिंग कृषि वनों का चारागाह में परिवर्तन अति चारण बनावी आर्थिक कारक। देखिए जीव जंतु क्या होते हैं, जंगल में रहते हैं, अगर हम लोग वन को काटेंगे, अगर हम लोग पेड़ पौधे को काट लेंगे तो अगर हम उसे उसमें खेती करने लगे तो जीव जंतु वहाँ नहीं रहेंगे। इससे क्या होता है, वहाँ उसे वन वन के जो जंतु होते हैं उन्हें हानि होती है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग जानेंगे जैव विविधता के विनाश के जो प्रभाव पड़े विनाश का उसे उसके बारे में जानेंगे। देखिए जलवायु परिवर्तन होगा, भूमंडलीय तापन में परिवर्तन, स्वास्थ्य पर प्रभाव, कृषि उत्पादन में कमी, वन्य जीवों की क्षति, कार्य क्षमता पर प्रभाव, महामारी, ये सभी पर प्रभाव पड़ेगा विनाश का। नेक्स्ट है आपका रेड डाटा पुस्तक क्या है, तो रेड डाटा पुस्तक संकट ग्रस्त प्राणियों के संरक्षण एवं संख्या में वृद्धि के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम कर चलाए जा रहे हैं। संकट में पड़े वन प्राणियों की स्थितियों को 8 श्रेणियों सूचीबद्ध किया गया। इस सूची को रेड डाटा सूची कहते हैं, यानी वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे हम लोग रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। प्रवास से आप क्या समझते हैं, प्रवास जो होता है उससे आप क्या समझते हैं, तो आंसर में लिखेंगे जलवायु परिवर्तन के इस कारण साइबेरिया जैसे जगहों में निश्चित समय पर उड़कर यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवासों में अत्यधिक ठंड पड़ता है, इसलिए वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता है। इस यात्रा को प्रवास कहते हैं, इस यात्रा को तय करने वाले पक्षी को प्रवासी पक्षी कहते हैं। ये हमारे यहाँ कुछ ही दिनों के लिए आते हैं और फिर वापस उड़कर चले जाते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क से क्या संबंध है, अपने राज्य में किन्हीं दो अभयारण्य के नाम लिखिए। तो देखिए अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क से हम लोग क्या समझते हैं इसे अब हम लोग देखिए। अभयारण्य जो होता है उसमें पेड़ पौधे के सुरक्षित का स्थान होता है, क्या होता है, पेड़ पौधे के सुरक्षित का स्थान। तो दो लिखना है जो हमारे राज्य में है उस वैसे दो अभयारण्य का नाम लिखना है, तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग ये इसका तथ्य पर समझ लेते हैं, ठीक है। अभयारण्य का देखिए जंतु एवं उनके आवास के लिए हर प्रकार का सुरक्षित ही अभयारण्य होता है, एवं राष्ट्रीय पार्क जो होता है वन्य जंतु के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं उसे राष्ट्रीय पार्क हम लोग कहते हैं। अगर दो हम लोग दो अभयारण्य का नाम लिखना चाहे तो दो अभयारण्य के बारे में हम लोग लिख सकते हैं, जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, ये हमारा राष्ट्रीय पार्क हो गया, ठीक है। ये अब देखिए अभयारण्य में है गिर अभयारण्य, ठीक है, काजीरंगा अभयारण्य, गिर अभयारण्य, ये हमारा हो गया अभयारण्य, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं सातवें प्रश्न है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में संक्षेप में बताना है। तो बाघ जंगली पशु है जिसका अस्तित्व खतरे में है, शिकारियों द्वारा इसके खाल, हड्डी, दांत, नाखून आदि इनके जो खाल होते हैं, नाखून होते हैं आदि के लिए इनका प्राय शिकार किया जा रहा है। इससे सुरक्षा के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। बाघ को बचाने तथा इसमें वृद्धि के लिए एक रणनीति बनाई गई जिसे परियोजनाएं या प्रोजेक्ट टाइगर कहा गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं आप अपने विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए क्या करेंगे, तो आप जो करेंगे वो आप लिख दीजिए यहाँ पर, तो हम बता देते हैं हम लोग क्यारियाँ बनाएंगे, उसमें पौधे लगाएंगे, उसमें नियमित रूप से पानी देंगे, ठीक है, खाद देंगे, छिड़काव करेंगे, उसमें पत्ती फल फूल उस समय पर, ठीक है, फल फूल को समय पर समय तोड़ते रहेंगे। तो इस प्रकार आप लोग हमने पूरा क्वेश्चन आंसर को आपको करवा दिए, ठीक है, 12 चैप्टर का कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग आगे चैप्टर को भी देखेंगे। धन्यवाद।